नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिदांस मॉम गार्डन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारे फ्लावर के बारे में। इसका नाम डैंथस है और ये विंटर में बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ होती है। अक्टूबर से लेके अप्रैल लास्ट तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, ये परमानेंट प्लांट भी है। अगर हम छोटा सा केयर टिप फॉलो करें तो हम इसे समर में भी बचा सकते हैं, पूरे साल भर अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल के बाद जो है आप इसे सुबह में एक डेढ़ घंटे की धूप पड़ती हो ऐसे जगह में रख दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, तो ये चल जाता है। और जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो बड़े बड़े पौधे के नीचे इसको रख दीजिएगा तो ये चल जाता है। और बरसात में दोस्तों, इसमें बारिश ना पड़े, पानी ना पड़े, तो ये बहुत अच्छे से बच जाएगा और ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही खिलते रहेगा। तो ये परमानेंट प्लांट भी है अगर छोटा सा हम टिप फॉलो करते हैं तो। और दोस्तों, इसे सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं नर्सरी से पौधा ले आई थी, दिसंबर में लाई थी, छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉट लाई थी। और देखिए दोस्तों, डेढ़ महीने में, आज जनवरी के 14 तारीख हो गए हैं और डेढ़ महीने में देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। और दोस्तों, जब मैं ये ख़रीद के लाई थी तो पॉटिंग मिक्स जो मैंने तैयार किया था उसमें एक हिस्सा गार्डन सोयल था, एक हिस्सा खाद। तो दोस्तों, मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ही मैंने इसमें डाला था। आपके पास जो भी अवेलेबल खाद है, या वर्मिक कंपोस्ट या गोबर खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं एक हिस्सा। और एक हिस्सा मैंने इसमें रेत मिला दिया था ताकि इसमें वेल ड्रेन सोयल हो, इसमें पानी ज़्यादा ना रुके, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि इसको मॉइस्चर तो पसंद है, इसे अपने मिट्टी में मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा पानी ना हो, इसमें दलदल ना हो, तो उसके लिए हमें इसमें रेत मिलाना ज़रूरी होता है ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। और दोस्तों, ये विंटर में इसको आप फुल डे की सनलाइट में रखिए। जब भी, अभी तो 10 दिन से हमारे एरिया में बिल्कुल धूप नहीं है, मतलब दिन में 1 घंटे ही धूप, 1 से 2 घंटे ही धूप, हल्की धूप पड़ रही है, तो उसमें भी देखिए दोस्तों ये कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे विंटर में या जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सभी को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्लेस में आप विंटर में रख दीजिए जहाँ पे पूरे दिन जिस वक्त भी धूप खिले, धूप पड़े, ऐसे जगह में इसको रख दीजिए। तो इसमें अगर 4 से 5 घंटे की धूप पड़े तो बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ होती है। और दोस्तों, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये इतने सारे इसमें ब्रांचेस निकले हैं, तो जैसे ये अभी तो ये मैच्योर नहीं है क्योंकि 1.5 महीने पुराना ही है ये पौधा, थोड़ा सा ये मैच्योर हो जाए तो हम यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ के कटिंग लगा सकते हैं। या फिर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे में बहुत सारे गुच्छे में बहुत सारे शूट्स निकले हैं, तो ये थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे खींच के निकालेंगे तो रूट के साथ ही ये निकलेगा, तो उसको आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही पौधे में से बहुत सारे पौधा आप तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कलर में मिल जाता है, मेरे पास तो अभी 2 ही कलर हैं क्योंकि दोस्तों मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ तो मैं सभी पौधे 2-2, 3-3 ही रखती हूँ क्योंकि स्पेस की भी कमी है। तो मैं ये नर्सरी से जब ख़रीद के लाई थी तो मैं 2 ही पौधे लाई थी और दोनों देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। और पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद जो है 15 दिन बाद इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। और दोस्तों, मैं ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो NPK मिलता है, आप वो दे सकते हैं। और दोस्तों, आप इसमें नीम खली भी दे सकते हैं, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र और ओनियन पील फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, मैं सारे अपने पौधे में यही सब देती हूँ, किचन से जितना वेस्ट निकलता है मैं उसी का खाद बना के अपने सारे पौधे में लगाती हूँ।
दोस्तों, मैंने पिछली बार वीडियो भी शेयर किया था अंडे का छिलका कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैं किचन में से जितना वेस्ट निकलता है मैं वो सब अपने प्लांट्स में ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं केमिकल्स नहीं यूज़ करती हूँ। और देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों, इसमें पानी की बात करें तो इसको मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें मत दीजिए। जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए तब इसमें पानी दीजिए। आज ही मैंने इसमें पानी दिया है दोस्तों, अभी वीडियो बनाने से कुछ देर पहले ही मैंने पानी दिया था, क्योंकि काफ़ी इसमें मिट्टी सूख गई थी और इधर काफ़ी ठंड पड़ रहा है, तो ज़्यादा हम टेरेस पर आ नहीं पा रहे हैं। तो मिट्टी में देखी तो मिट्टी काफ़ी ड्राई हो गया था, तो इसमें मैंने पानी दे दिया। और देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। इसमें देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रही है। तो एक महीने बाद जैसे ही ये प्लांट थोड़े मैच्योर हो जाएंगे तो मैं इसको कटिंग से और भी पौधे बनाऊँगी, तो तब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इसमें अगर पेस्ट, इसमें अगर फंगस अटैक करे तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पेस्टिसाइड्स आप वाटर में, पानी में घोल के मिट्टी में लगा सकते हैं। कोई भी अच्छा क्वालिटी का पेस्टिसाइड्स आप मार्केट से ले सकते हैं, तो वो देंगे तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, इसमें कोई फंगल अटैक वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैंने शायद सारे टिप्स बता दिया आपको। अगर कुछ छूट गया हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे ऐसे मुलाकात होती रहे। थैंक यू।